रेवाड़ी में 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जीएसटी इंस्पेक्टर रंगे हाथों गिरफ्तार। जीएसटी नंबर वेरिफिकेशन की एवज में मांगी थी रिश्वत, विजिलेंस टीम ने पकड़ा रंगे हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। रेवाड़ी में विजिलेंस ने मंगलवार को छापेमारी करते हुए जीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इंस्पेक्टर ने जीएसटी नंबर जारी करने से पहले की जाने वाली वेरिफिकेशन को लेकर 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। दरअसल रेवाड़ी जिले के गांव ततारपुर इस्त मुरार निवासी संजीव कुमार ने कुछ समय पहले बैटरी का कारोबार शुरू करने के लिए एक फर्म बनाई थी। उसने फर्म की लोकेशन गांव में ही दिखाई। इस फर्म के लिए संजीव को जीएसटी नंबर की जरूरत थी। संजीव ने जीएसटी नंबरों के लिए विभाग में आवेदन कर दिया। आपको बता दें कि जीएसटी नंबर के लिए विभागीय अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर वेरिफिकेशन की जाती है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस के इंस्पेक्टर नवल किशोर शर्मा की अगुवाई में विजिलेंस टीम गठित की गई और धारुवेड़ा के बीडीपीओ करतार सिंह को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। मंगलवार को फर्म वेरिफिकेशन के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर शिवपाल सिंह गांव ततारपुर इस्त मुरार पहुंच गया। शिवपाल द्वारा संजीव से रिश्वत के 2000 रुपये लेते ही विजिलेंस की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। टीम आरोपी को रेवाड़ी स्थित विजिलेंस ऑफिस ले गई। विजिलेंस इंस्पेक्टर नवल किशोर शर्मा ने बताया कि फर्म वेरिफिकेशन की एवज में टैक्स इंस्पेक्टर ने 2000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवपाल अपने जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, तो इसके विरुद्ध हमें शिकायत दी गई थी संजीव कुमार वासी प्रतापुर ने कि भाई मेरे को जीएसटी नंबर अलाट हो गए और सपोर्ट वेरिफिकेशन इन्होंने करनी है और मेरे से 2000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। जो इस पर उन्होंने शिकायत पर अभियोग अंकित किया हमने और अपनी रेडिंग पार्टी तैयार की और इनको उनके गांव से जो इसकी फर्म थी यदुवंशी फर्म इंटरप्राइजी ततारपुर वहाँ मौके पे रिश्वत लेते उनको गिरफ्तार किया। हाँ, मेडिकल करवाया है और कल अदालत में पेश करेंगे।